कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद जेडीएस के कुमार स्वामी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, जिसे कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा भी किया था, लेकिन उससे पूर्व राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के रूप में जीत कर आई भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया और 15 दिन में बहुमत साबित करने का समय भी दे दिया। इस पर कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फैसला देते हुए येदियुरप्पा सरकार को 15 दिन के बजाय 24 घंटे में बहुमत दिखाने के आदेश दिए और इसके फ्लोर टेस्ट के दौरान सीधा प्रसारण भी चैनल पर दिखाने के आदेश दिए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था चाक चौबंद करने की हिदायत दी गई, लेकिन येदियुरप्पा सरकार 24 घंटे में बहुमत के आधार पर समर्थन नहीं जुटा पाई और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस पर पूरे देश में कांग्रेसियों में खुशी की लहर छा गई। सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है। अलवर में भी कर्नाटक में भाजपा सरकार के जाने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल था। नगली सर्किल पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली, योगेश प्रधान, पुष्पा गुप्ता, योगेश मेहता, साफिया खान, कमलेश सैनी, नीलेश खंडेलवाल, नरेंद्र शर्मा, अशोक सैनी, अजीत यादव, नरेंद्र मीणा, हिरेंद्र शर्मा, जोगेंद्र कोचर, हिमांशु शर्मा, श्वेता दीपेंद्र सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरी कांग्रेस द्वारा आतिशबाजी की गई है, खुशी मनाई गई है, लड्डू बांटे गए हैं, पटाखे छोड़े गए हैं और उन सबके पीछे मकसद यही है कि आज जो लोकतंत्र की जीत हुई है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी इस देश के ऊपर तानाशाही पूर्वक तरीके से, इससे पहले भी गोवा में, मिजोरम में, बिहार में, मणिपुर में, मेघालय में इस प्रकार के कारनामे कर चुका है और जो बहुमत जिनके पास होता है उन सरकारों को नहीं बना के जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हैं उन लोगों को सरकार बनाने का न्योता मिलता है। कर्नाटक में भी ऐसा ही करना चाह रहे थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अच्छी रही और उनके निर्णय से आम जनता को जीत मिली है, पब्लिक को जीत मिली है और लोकतंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं उनको आज इस चीज से बड़ी खुशी है कि ये लोकतंत्र की जीत है।